अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज था मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे, सेवन सेमेस्टर का। तो सुबह सुबह मैं उठी और ये मेरे रूम के बाहर का व्यू था, जो कि बहुत ही पुरकशिश और सुकून दे होता है। और फिर मैंने अपने रूम की जलाई बत्तियाँ और ये मेरे बिस्तर के हालात हो गए थे रात को सो के। तो मैंने चुटकी बजा के अपने बिस्तर को मिनटों में किया सेट, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने के लिए देर हो गई थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से किसी रूम से आयरन मांगी, और मांगने दाने का काम तो हॉस्टल में चलता ही रहता है। तो ये जल्दी से सेटअप किया आयरन करने के लिए गाउन, और गाउन को किया प्रेस। और फिर आज फर्स्ट डे था तो मैंने कहा बैग को ज़रा अच्छे से सेट वेट करके जाया जाए। तो मैंने अपने बैग वगैरह को सेट किया, बुक सेट की और अपना ज़रूरी सामान बैग में रखा, जो कि यूज़ तो पता नहीं मैं करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन बैग में ज़रूर रखूँगी। ये मेरा था हैंड सैनिटाइज़र, सनब्लॉक और सोप, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं बैग में ज़रूर रखती हूँ हर टाइम, कभी भी कहीं भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो फर्स्ट डे था सेवन सेमेस्टर का, तो मैंने सोचा कुछ ट्यूशन वशन भी मारे जाए क्लास में। तो इसके लिए मैंने निकाली अपनी डिजिटल वॉच, और इसको मैं इसलिए भी साथ रखती हूँ क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो स्टेप्स काउंट होते रहते हैं तो इजी रहता है। और मेरी रूममेट्स नहीं आई थी तो मैंने अपने रूम को किया अच्छे से लॉक। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आपके पांडे शांडे जाएंगे चुके, तो इसलिए अच्छे से लॉक करके जाया करें अपने रूम को, अगर आप स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्टल्स में हैं तो। तो मेरा रूम है सबसे ऊपर, तो मुझे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं क्योंकि सबसे ऊपर है हमारा रूम। तो ये तो आपको छोटे से काम के लिए भी इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और उतरनी पड़ती हैं, और इसी में ही थक जाते हैं। यूनिवर्सिटी तो जो थकना होता है होता ही है, और इधर भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और इधर मैंने सेट वेट किया खुद को शीशे में और चल पड़ी बस स्टैंड की तरफ। तो ये मेरा हॉस्टल है और ये बाहर से सारा इसके ग्राउंड वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा हॉल्स है, मेरा आमना हॉल है तो ये इसके बाहर का व्यू है। और फिर गेट पे आपको एंट्री जरूर करनी पड़ती है, वरना गार्ड अंकल तो आपको जाने नहीं देंगे कहीं भी। और अब मैं चल पड़ी हूँ जी बस स्टैंड की तरफ, बस का वेट करेंगे। और बस मेरी आ गई थी जल्दी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अगर वेट करना पड़ता तो फिर तो मेरा लेक्चर मिस हो जाना था। और बस में आपको पता ही है कैसे चढ़ते हैं, फिर धक्के धक्के घूम के अच्छे से मुक्के छुक्के मार के फिर ही आपको मिरर वाली साइड पे सीट मिलती है। और मेरा हॉस्टल है न्यू कैंपस में, और क्लासेस होती हैं ओल्ड कैंपस में, इसलिए मुझे ओल्ड कैंपस जाना पड़ता है रोज़। तो ये हम जीसी के ओल्ड कैंपस में हो गए हैं एंटर, और ये बस स्टैंड पे हमें बस उतारेंगे। इधर उतरने के बाद मुझे जाना है अपने डिपार्टमेंट, जो कि बस स्टैंड से बहुत ही ज़्यादा दूर है। आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो तो आप तो बहुत ज़्यादा चलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सफ़र ही करना पड़ता है, यू नो ना, आई लव सफरिंग, एवरीवन लव सफरिंग। तो ये मैं चल पड़ी अपने डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट में भी मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है क्लासरूम। और ये जी लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया सेवन सेमेस्टर का, स्टार्ट आते ही पढ़ाइयाँ शुरू, और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम पढ़ के। तो हमने किया कैफे का बुक, और कैफ़े में तो हर चीज़ के रेट्स आसमानों को जा पहुँचे थे। और ये हम कैफ़े में हमने अपना खाना शाना खाया, और इधर जी गार्ड अंकल ने पकड़ लिया एक कपल को, जो कि पूड़ी मारा था लग से बैठा हुआ, और इनकी होगी शामत ताश पक्की। और ये हमने अपना खाया पिया और चल पड़े क्लास की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर लिया। और हमारे यहाँ सारे ही लेक्चर हुए थे तकरीबन, तो और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा तो होता रहता है, हम क्लास से हो गए दर बदर और हमने और क्लास में शिफ्ट कर दिया। जब हम दूसरी क्लास में गए तो हम तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, सबसे फ्रंट सीट पर बैठ के जैसे हमें सारा आता है, और लकीली क्लास ही नहीं हुई, जिसकी बहुत खुशी हुई हमें। इसके बाद मैं अपने दोस्त के हॉस्टल गई। अगर आप ऐसा बात में रहते हैं तो आपको इस फूड स्ट्रीट का ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस फूड स्ट्रीट है जो कि धोबी घाट के बिल्कुल साथ है। तो मेरी फ्रेंड का हॉस्टल भी इधर है, उधर मैं थोड़ी देर बैठने के बाद आ गई फिर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैं गई बस स्टैंड पे, उधर से बैठी बस में और बस चल पड़ी मुझे लेके न्यू कैंपस। हॉस्टल की तरफ तकरीबन 2-3 बज चुके थे और भूख भी शदीद लग रही थी। नाश्ता मैंने आज किया नहीं था, तो ये
कार्ड अंकल को मैंने किया टाटा बाय बाय और हम चल पड़े हैं न्यू कैंपस की तरफ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था हैंड बैग गिफ्ट बर्थडे का। थैंक यू रिया फॉर दिस गिफ्ट। ये बहुत ही प्यारा बैग था जो उसने मुझे स्टोर से ऑर्डर करके दिया। और ये थी हमारा हॉस्टल लाइट्स का खाना। गवर्नमेंट हॉस्टल में ऐसा ही खाना मिलता है, रोज़ दाल मिलती है। और फिर दाल को हजम भी तो करना था, उसको हजम करने के लिए मैंने बनाया एक कप ग्रीन टी ताकि दाल हजम हो जाए, पेट खराब ना हो, मैदा खराब ना हो। तो हॉस्टल में आप रहते हो तो ग्रीन टी को लाजमी अपनी डाइट में ऐड कर लो। और थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद रात को मैंने की वॉक और भी अपनी सॉन्ग सुनने के बाद अपने स्टेप चेक किए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग।